चंडीगढ़ में भी स्वाइन फ्लू के बाद अब डेंगू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 188 मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर मलेरिया विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। डेंगू के जितने मामले सामने आए हैं, इसमें अधिकतर चंडीगढ़ गांव एरिया से हैं, जिसको लेकर मलेरिया विभाग ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अलर्ट जारी करने के साथ साथ लगातार लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। लोगों को एहतियात बरतने, आसपास के एरिया में सफाई रखने, कूलर के पानी में ब्रीडिंग न होने देने और घर के सभी नालियों को साफ रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही इस प्रकोप से निपटने के लिए विभाग की 110 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें 40 कर्मचारियों की स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। आप सही बता रहे हैं कि अब चंडीगढ़ में 188 केस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन इसमें एक मेन ये चीज़ जानने की है कि कोई डेथ नहीं हुई है और इन केसेस को अर्ली डिटेक्शन पे लिया गया है। इसके अलावा ये जो कल 50 केस रिपोर्ट किए गए हैं, इसमें मेन ये था कि पिछले ये जो 3 दिन में सैंपल्स थे, क्योंकि मनीमाजरा हॉस्पिटल में हमारी जो जांच है 2 दिन चलती है, बाकी तीनों मेजर हॉस्पिटल्स में रोजाना चलती है, तो 3 दिन के सैंपल थे जो टेस्ट किए गए थे, तो इसलिए एकदम से लग रहा है कि ज़्यादा डाटा है। लेकिन हाँ, स्टिल 188 केस हैं हमारे पास। और इसका जो मुख्य कारण है कि इंस्पाइट ऑफ कि कंटिन्यूस फॉगिंग भी हो रही है, लोगों को जो 110 टीमें फील्ड में हैं वो जाके जागरूक भी कर रही है, उसके बावजूद लोगों का जो कूलर यूजेज है वो उतना ही है और लोगों के कूलर्स हमें काफ़ी हद तक पॉजिटिव मिल रहे हैं। और मनी माजरा में एक मेजर है कि माइग्रेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है और जिनके यूजेज कूलर्स की भी उतनी ही ज़्यादा देखने में ही है, और एक पर्टिकुलर पॉकेट ही है चंडीगढ़ में जहाँ केसेस आ रहे हैं। और मनी माजरा में पूरा देखें तो वहाँ पे डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो कूलर यूजेज के साथ साथ जो अंडरग्राउंड हॉदीज हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या अनऑक्यूपाइड प्लॉट्स हैं, उसके कारण ये ब्रीडिंग होने के ज़्यादा कारण बन रहा है। और लेकिन अगेन मैं वही बताना चाहूँगा कि मुख्य कारण लोगों के अपने कूलर्स या अंडरग्राउंड पौधियाँ या उनके घरों में रखे कंटेनर्स बने हैं। और इसी के रहते हुए कि अगर आप देखें तो 188 में से 130 के सिर्फ मनी माजरा में से रिपोर्ट हुए, जो बाकी सब पूरे चंडीगढ़ में जो कि 114 स्क्वायर किलोमीटर है उसमें सिर्फ 85 केस रहे। तो इसमें यही था कि लोगों को जागरूक करने के बावजूद उनके कूलर्स ना साफ करना एक मुख्य कारण बना है। हमारी तरफ से मेजर गाइडलाइंस यही हैं कि सप्ताह में एक बार अपने कूलर्स को जरूर साफ करें, इसके अलावा अपने घर के आसपास कहीं भी पानी ना इकट्ठा होने दें। और इसमें कोई शर्म नहीं है अगर हम हमारे घर के ऊपर छत पे या कहीं आसपास पानी इकट्ठा हुआ है तो उसमें एक झाड़ू भी मार दें, क्योंकि इसको एक साफ सुथरा स्टैग्नेंट वाटर चाहिए इसके लार्वे को बनने के लिए, और वो 7 दिन का समय भी चाहिए। अगर हम अपने घर के आसपास और कम से कम अपने घर में सफाई रखते हैं तो इसके होने के चांसेस कम होते हैं। और आपको बुखार या कुछ भी हो तो आप नज़दीकी अपने स्वास्थ्य केंद्र पर जाके जाँच जरूर करवा लें। अगर हम पिछले हफ्ते का डाटा देखें तो एक ही केस आया है, तो 51 टोटल केसेस हैं और 6 डेथ भी हुई हैं। डेथ का तो मुख्य कारण जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि कोमॉर्बिड कंडीशंस थी, कोई डायबिटीज़ के साथ है, हाइपरटेंशन है जो प्रीडिस्पोज करता है इसको, और ये एग्रवेट भी होता है इन केसेस में। और ये हाई रिस्क, वैसे भी गाइडलाइंस ये कहती है कि हाई रिस्क पेशेंट है। और इसके अलावा जो ये छोटे एक एक दो दो केस आना ये कंटिन्यू रहता है, क्योंकि अभी भी तापमान उतना कंड्यूसिव है, ह्यूमिडिटी भी है, तो लोगों को अभी भी मैं मीडिया के थ्रू एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डेंगू के साथ साथ स्वाइन फ्लू का भी उतना ही प्रिकॉशन रखें। ऑल्दो केसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, स्टिल अभी भी हमें प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। अभी तक अगर हम बाकी वार्ड्स देखें, चंडीगढ़ का सिर्फ एक ही पेशेंट एडमिट है जो 16 में एडमिट है, इसके अलावा चंडीगढ़ का कोई और पेशेंट अब एडमिट नहीं है, सब डिस्चार्ज हो चुके हैं और सब ठीक हैं।